हेलो दोस्तों, मशहूर पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की रविवार को दो कारों में सवार होकर आए हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या कर दी। वारदात को मनसा के गांव जवाहर के में शाम करीब 5 बजे अंजाम दिया गया। सिद्धू अपने दो साथियों के साथ अपनी थार कार में सवार थे। हमले में दोनों साथी भी घायल हैं। हमलावरों ने अत्याधुनिक हथियार से करीब 40 गोलियां चलाई। ड्राइविंग सीट पर बैठे सिद्धू मूसेवाला को करीब 7 गोलियां लगी है। वारदात को अंजाम देकर हमलावर फरार हो गए हैं। जानकारी के अनुसार रविवार शाम करीब 5 बजे सुभदीप सिंह उर्फ गायक सिद्धू मूसेवाला अपनी थार चलाकर गांव जवाहर के रास्ते गांव खारा बरनाल जा रहे थे। जैसे ही वह गांव जवाहर के में पहुंचे तो दो गाड़ियों में सवार होकर आए हमलावरों ने उन पर अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। सिद्धू मूसेवाला के साथ एक सुरक्षा कर्मी भी था। मूसेवाला को सीने व अन्य हिस्सों में करीब 7 गोलियां लगी, जिसके कारण उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही SSP गौतम तुरा घटनास्थल पर पहुंचे। सिद्धू मूसेवाला व उनके दो अन्य साथियों को सिविल अस्पताल मनसा लाया गया, जहां डॉक्टरों ने मूसेवाला को मृत करार दिया और उनके साथियों को लुधियाना रेफर कर दिया। सिद्धू मूसेवाला के साथ पहले 7 सुरक्षाकर्मी थे। पंजाब सरकार ने शनिवार को ही उनकी सुरक्षा वापस ली थी। इसके बाद उनके पास एक गनमैन था। जैसे ही सिद्धू मूसेवाला गांव जवाहर के पहुंचे तो हमलावरों ने उनकी गाड़ी रोकी और अंधाधुंध फायरिंग कर दी। गोलियों से थार गाड़ी भी चकनाचूर हो गई है। सिद्धू मूसेवाला हमेशा बुलेट प्रूफ गाड़ी में चलते थे, मगर रविवार शाम को वह अपनी नई थार को खुद चलाकर गांव खारा बरनाल जा रहे थे। रास्ते में ही उनकी हत्या हो गई। दूसरी ओर पुलिस अभी तक यह पता नहीं कर पाई है कि हमला किसने और क्यों किया। पुलिस की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान इस हत्याकांड को लेकर नहीं आया है। गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका गूंज गया।